Good morning, students. Today we will continue on chapter number 15 of science, that is some natural phenomena. So in my previous section, मैंने आपको last में explain किया था about the thundering process. Process मतलब कि thundering के अंदर क्या होता है, lightning कैसे generate होता है, thunderstorms कैसे आते हैं, बिजली कैसे चमकती है, तो वो सब process के बारे में हमने read किया था. And I also explained that we can obtain charge, हम charges को obtain कर सकते हैं positive and negative charge को by rubbing the two particles, यानी कि दो अगर चीजों को आपस में rub किया जाए तो हम charge को produce कर सकते हैं. So and I also explained about the discharging of cloud, और उसी के through मैंने आपको एक process बताया था कि बिजली जो है यानी कि lightning जो है वो कैसे होता है. तो मैंने आपको बताया था कि clouds होते हैं, जब दो क्लाउड शो होते हैं वो आपस में रब करते हैं तो उनके पास में भी चार्ज जो है वो स्टोर हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लाइटिंग प्रोसेस अकर. तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइटिंग होता है और वो लाइटिंग जो है वो कहाँ आती है, ग्राउंड पे. और जब वो ग्राउंड पे आ जाती है तो चार्ज जो क्लाउड होता है वो कैसा हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है. ठीक है, ये सिंपल अगर एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है तो आप जो है अपने ड्राई हेयर के अंदर कॉम कीजिए, जो सूखे बाल है आपके, ऑयलिंग नहीं किया हुआ उसके अंदर, उसमें आप कॉम रब करोगे और उसके बाद में उस कॉम को आपको क्या करना है, पेपर पीसेस जो होते हैं उनके पास में लेके जाना है. तो जो पेपर के पीसेस होंगे छोटे छोटे वो क्या होते हैं, कॉम से अट्रैक्ट होते हैं. तो ये हमें बताता है कि कैसे जो है वो चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. सो दिस इज द सेम फिनोमेनन ऑफ लाइटनिंग. तो इसी की वजह से क्या होता है, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. Now we will read about the lightning safety. अब हमने lightning पढ़ तो लिया है कि एक process होता है, this is a natural phenomenon. तो अब हम इसे safety measures के बारे में read करेंगे कि lightning process के time पे क्या क्या safety measures आपको रखने हैं. तो first of all, no open place is safe. कोई भी open place जो होता है वो safe नहीं होता है during the lightning process or thunderstorm. House or building and vehicle with closed windows, doors are safe. ठीक है, तो ये यहाँ पे डोर्स और विंडोज क्लोज हो तब आपका व्हीकल जो है, इनसाइड द व्हीकल यू आर सेफ. ठीक है, कार हो गया, बस हो गया, अगर उसके विंडोज है और जो डोर्स है वो शट है तो फिर आप जो है उस व्हीकल के अंदर सेफ है, या फिर आप हाउस में और बिल्डिंग्स में सेफ है ड्यूरिंग द लाइटिंग एंड थंडरस्टॉर्म. नाउ ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक, ट्रैक्टर एक्सेट्रा, ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क एक्सेट्रा डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रॉक. तो ये सारी जो चीजें हैं लाइक ओपन व्हीकल कौन हो गया, जैसे मोटर बाइक है, स्कूटी है, ट्रैक्टर है, जो मशीनरी होते हैं कंस्ट्रक्शन मशीनरी है, ओपन फील्ड है, टॉल ट्रीज है, इनके अंदर जो है हमें शेल्टर नहीं लेना है, मतलब उसके अंदर जो है आपको शेल्टर प्रोवाइड नहीं होगा फॉर द थंडरिंग और लाइटनिंग प्रोसेस. इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल, अगर हम किसी ओपन फील्ड के अंदर है जब लाइटनिंग हो रहा है और हमारे पास भी कोई भी शेल्टर अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट यू हैव टू डू, देन स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज. तो हमें क्या करना है, जो भी ट्रीज है उनसे दूर रहना है, पोल से दूर रहना है, पोल्स मतलब इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहना है, और साथ में मेटल के ऑब्जेक्ट से भी दूर रहना है. नाउ डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे लेटना नहीं है, इंस्टेड स्क्वाट लाओ ऑन द ग्राउंड. उसकी वजह आपको क्या करना है कि आपको स्क्वाट यानी कि पाप पे जो है इस तरीके से बैठते हैं वो बैठ जाना है, और अपने जो हेड है वो दोनों ऐसे हैंड फोल्ड करके उसके ऊपर रख देना है, इस तरीके से स्क्वाट पोजीशन के अंदर ग्राउंड पे बैठना है. कॉन्टेक्ट विद टेलीफोन कोर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पार्ट्स शुड बी अवॉइडेड. और अगर घर में है हम तो हमें जो है टेलीफोन कॉर्ड, इलेक्ट्रिकल वायर्स और मेटल पाइप जो है उससे टच करने से अवॉइड करना है, उसको टच नहीं करना है. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक टीवी, कंप्यूटर एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड. और जो थंडरिंग है वो लाइटिंग जो है वो इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को भी अफेक्ट करेगी, तो इससे भी हमें करंट लग सकता है. तो इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को भी ड्यूरिंग द थंडरिंग प्रोसेस आपको क्या कर देना है, अनप्लग कर देना है. ठीक है, प्लग इन नहीं रखना है. नाउ वॉट द अदर थिंग वी हैव टू डू, लाइटिंग कंडक्टर. तो ये एक लाइटिंग कंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें लाइटिंग प्रोसेस या थंडर स्ट्रोम से जो है सेफ्टी प्रोवाइड करता है. सो व्हाट इज दिस, आई विल एक्सप्लेन. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ लाइटिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट
buildings from the effect of lighting. तो ये क्या है, ये एक डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग्स को अफेक्ट ऑफ लाइटिंग से. लाइटिंग के जो भी साइड इफेक्ट होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है. सो व्हाट इज दिस लाइटिंग कंडक्टर, अ मेटालिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग. एक मेटालिक रॉड होती है, जितना भी बिल्डिंग है, जितनी भी हाइट है बिल्डिंग की, लाइक 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, तो उससे ज्यादा बड़ा क्या लेना है, एक मेटालिक रॉड लेते हैं. एंड देन इट इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन. और जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है तभी उसी टाइम आपको जो है कंस्ट्रक्शन वाला क्या करता है, इस मेटालिक रॉड को जो है वो बिल्डिंग की वॉल्स के अंदर कंस्ट्रक्ट कर देता है, सेटल कर देता है. Now the one end of rod is kept out in the air. और उसके बाद में जो बिल्डिंग का एक जो लाइक इस टाइप से बिल्डिंग है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पोल है हमारा वो इस तरीके से यहाँ पे होगा. ये हमारा मेटालिक रॉड है. This is the metallic rod taller than the building. तो ये building से taller होगा और साथ में बाद में इसको किस तरह attach कर दिया जाता है, एक copper plate से. ये ground है. So this is what like इसका एक end तो क्या होगा, one end of rod is kept out in the air. तो ये देखो एक end जो है वो building से tall है, इसके एक end का होगा air में. And then the other is buried deep in the ground with a copper plate. और जो दूसरा एंड है उसको क्या करेंगे, ग्राउंड में बहुत ही डीप में buried कर देते हैं, मतलब उसको गाड़ देते हैं और इसके अंदर क्या लगा देंगे, कॉपर प्लेट के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे. सो ये क्या हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, दिस रॉड प्रोवाइड इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड. तो अब जब क्लाउड डिस्चार्ज होने के लिए लाइटिंग क्रिएट करेगा तो वो क्लाउड का लाइटिंग का आएगा इस रॉड के अपर एंड पे आएगा, और इस अपर एंड के थ्रू ये सारा मेटल है तो ये इलेक्ट्रिक रॉड ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड के अंदर. और इस तरीके से जो है क्लाउड भी डिस्चार्ज हो जाएगा और बिल्डिंग में सारे जो लोग है वो भी सेफ्टी मेजर्स के थ्रू प्रोटेक्ट रहेंगे. नाउ द अर्थक्वेक, सो दिस इज अनदर नेचुरल फिनोमेना. ये भी हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है अर्थक्वेक. सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. तो ये क्या होता है, अर्थ का जो मतलब कि अर्थ की जो आग का लास्ट लेयर है वो एकदम से अर्थक्वेक, यानी कि हिंदी में बोले तो भूकंप जब आता है तो उसमें क्या होता है कि अर्थ की जो अपरमोस्ट लेयर होती है वो क्या करती है, शेक करती है. तो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, इट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. ये बहुत छोटे से टाइम के लिए होता है, बट इट कैन कॉज अ ह्यूज डैमेज टू द पीपल्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. तो इसमें जो है लेकिन होता तो शॉर्ट टाइम के लिए शेकिंग ऑफ अर्थ, लेकिन उसकी वजह से जो लोगों की लाइफ है उसके ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है, बिल्डिंग्स डैम ब्रिजेस इन सब पे इफेक्ट पड़ता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, एनिमल लाइफ का लॉस होता है, बहुत सारा कुछ है प्रॉपर्टी लॉस के बारे में. तो हम ये पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक से कैसे हम सेफ्टी मेजर्स रख सकते हैं और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक. सो पहले आपको ये पढ़ना है अर्थक्वेक का डेफिनेशन क्या होता है. सो इट इज अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ. नाउ ये क्यों होता है, सो इट इज कॉज बाय अ डिस्टरबेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट क्या होता है, इट इज अ लेयर. ठीक है, ये एक लेयर होती है अर्थ की, अर्थ की बहुत सारी लेयर से बना हुआ है. तो ये लेयर है अर्थ का सबसे ठीक है इम्पोर्टेंट लेयर. इसके अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस आता है, ये अगर डिस्टर्ब होता है तो क्या होता है, शेकिंग आता है, और उस शेकिंग को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक. सो ये दो इंसिडेंट है, लाइक 8 अक्टूबर 2005 इसमें एक अर्थक्वेक आया था, मेजर अर्थक्वेक था जिससे बहुत लार्ज स्केल पे और ह्यूज लार्ज स्केल हमारा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ था. सो दैट इज 8 अक्टूबर 2005 इन पुरी एंड नॉर्थ कश्मीर. नॉर्थ कश्मीर में आया था पुरी के अंदर, और इससे पहले एक आया था मेजर अर्थक्वेक दैट इज 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. गुजरात के अंदर आया था जिसके अंदर ह्यूज स्केल के अंदर हमारा लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. जो मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक जो
बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के डिस्टर्बेंस की वजह से जो है अर्थक्वेक आता है, तो वो जो अर्थ क्रस्ट है वो होता क्या है, तो वो स्ट्रक्चर के अंदर पता चलेगा। लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये हमारा अर्थ है और इसको जो है इनर पार्ट को हमने इतने पोर्शन में देखा है कि इसका इनर पार्ट जो है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। सो दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे जो ऊपर वाला लेयर जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होता है उसमें हम क्या कहते हैं क्रस्ट, ठीक है। और इसी के डिस्टर्बेंस की वजह से क्या आता है अर्थक्वेक जनरेट होता है। नाउ द सेकंड इज मेंटल, क्रस्ट के नीचे का लेयर जो होता है उसे मेंटल बोलते हैं। देन द थर्ड लेयर इज आउटर कोर, और सबसे जो अंदर वाला साइड होता है उसे हम क्या कहते हैं इनर कोर। तो बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ को जो है डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है अर्थक्वेक जनरेट होता है। नाउ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का वो एक पीस नहीं होता है, बट इट इज फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड यानी कि ये क्या होता है पीसेस में डिवाइड होता है, फ्रेगमेंट पीस पीसेस में डिवाइड होना। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड प्लेट, और हर एक फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं प्लेट। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, और ये जो प्लेट्स होती है वो क्या करती है कंटिन्यूअस मोशन करती रहती है, मोशन में होती है, चलती रहती है ये। सो वेन अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन देन दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट। तो जब ये प्लेट जो होता है कोई एक प्लेट कोलिजन यानी कि टकराने की वजह से अगर एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे की तरफ आ जाता है तो उससे क्या होता है अर्थ क्रस्ट डिस्टर्ब हो जाता है और अर्थक्वेक जो होता है वो जनरेट होता है। सो कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, अब आता है कि अर्थक्वेक की कॉजेज क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्केनो इरप्शन, किस किस की वजह से अर्थ क्रस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो एक होता है वोल्केनो इरप्शन, वोल्केनो इरप्शन का मीन्स होता है जैसे ज्वालामुखी होता है वो फटता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है अर्थक्वेक मतलब अर्थ क्रस्ट डिस्टर्ब हो जाता है और अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। फिर मीटेराइड हिट्स द अर्थ, अगर कोई मीटेराइड होता है जो हम देखते हैं कि कोई भी आप बोलते हो तारा गिर रहा है वो स्टार फॉलिंग नहीं होता है, वो मीटेराइड होता है और जो बड़ा सा एक स्टोन पीस होता है डस्ट पार्टिकल का और वो आकर जब अर्थ पे गिरता है तो उसकी वजह से भी क्या होता है अर्थ क्रस्ट डिस्टर्ब हो जाता है और जो है हमारा अर्थक्वेक जनरेट हो सकता है। देन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अगर हम किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब को चेक करने के लिए अंडरग्राउंड में अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करें तो उसकी वजह से अर्थक्वेक जो है वो जनरेट होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक आएगा वो क्या होता है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ज्यादातर जो अर्थक्वेक होता है वो क्यों जनरेट होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट, प्लेट के मूवमेंट की वजह से जो होता है वो जनरली अर्थक्वेक जनरेट होता है। नाउ द बाउंड्रीज ऑफ दीज प्लेट, जो हमारी अर्थ की प्लेट है उनकी जो बाउंड्रीज होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है, आर द वीक जोन वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर। और इसकी वजह से जो आसपास का एरिया जो होता है जो वीक जोन है जो प्लेट के बाउंड्री पे है उनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का। दिस वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सिज़मिक और फॉल्ट जोन्स, और इन वीक जोन्स को हम क्या कहते हैं सिज़मिक या फॉल्ट जोन होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का जो है इफेक्ट देखा जाता है। नाउ व्हाट इज रिएक्टर स्केल, तो आपने कभी जब भूकंप आता है तो न्यूज़पेपर हम रीड करते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर जो है एक डिजिट आता है लाइक 3.4 2.3, तो ये सब क्या होता है एक रिएक्टर स्केल होती है। उस रिएक्टर स्केल के ऊपर क्या करते हैं जो अर्थक्वेक आता है उसको हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे अर्थक्वेक का जो मेजरमेंट है वो कैसे किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना था, कितनी पावर का अर्थक्वेक जो है वो जनरेट हुआ था, जितना मतलब कि अगर इसमें एक रिएक्टर स्केल आपको क्या देगा इसका पावर का मेजरमेंट देगा कि अर्थक्वेक जो है वो कितना डिस्ट्रक्टिव था, कितना नुकसान हो सकता था उससे। सो इट इज अ डिवाइस टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक, तो ये क्या करता है ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड के पावर को जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए रिएक्टर स्केल काम में लेते हैं। सो अब इसमें वैल्यू देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा जो है वो पावरफुल होता है अर्थक्वेक। सो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7, तो जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होते हैं यानी कि जो बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं उनका जो रिएक्टर स्केल पे मेजरमेंट आता है वो कितना आता है 7 से ज्यादा होता है, तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है। एंड लेस देन 7 क्या होता है अर्थक्वेक डिस्ट्रक्टिव तो होगा लेकिन थोड़ा कम नुकसान।
ठीक है, लेस पावरफुल होगा। जो मैंने दो एक्सप्लेन किए थे आपको, दो इंसिडेंट बताए थे, दैट इज 8 अक्टूबर 2005 एंड 26 जनवरी 2012, ये दोनों ही जो रिएक्टर स्केल पे आए थे उनका मैग्नीट्यूड था 7.5। इसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा ही लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था। सो इन माय लास्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन यू द सेफ्टी मेजर्स अबाउट द अर्थक्वेक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।